देर रात अम्बाला में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर ओवर ब्रिज पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जल गया। गनीमत रही कि ट्रक चालक समय रहते गाड़ी से उतर गया। ट्रक चालक ने दमकल विभाग और डायल 112 को सूचित किया और डायल 112 व दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अम्बाला में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। जैसे ही ट्रक में आग लगी, ड्राइवर ने अपना बचाव करते हुए डायल 112 और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की गाड़ी जब तक घटनास्थल पर पहुंची, तब तक ट्रक का केबिन जलकर राख हो गया था। डायल 112 की टीम और दमकल विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। ट्रक चालक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह शंभू बॉर्डर के नजदीक से लुमिनस के इन्वर्टर भरकर कोलकाता जा रहा था। अभी उसको निकले कुछ देर ही हुई थी कि अचानक ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक में पड़े आग बुझाने वाले उपकरण से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। चला था बस तो ज्यादा ज्यादा 7-8 किलोमीटर आया हूँ और एक साथ केबिन में आग लगी आगे से। फिर मैंने बुझाने की कोशिश करी उससे, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाई। कहाँ से चले थे, कहाँ जा रहे थे, क्या लोड है? ये कलकत्ता जा रहा साहब, इसमें बैंड वो लोड है लुमिनस के UPS। तो अब आग पर काबू पा लिया? हाँ जी। कहाँ से आग चले थे? यहीं से चला हूँ बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे से लोड करके। मैसेज मिला हाईवे पे आग लगी है, तो तुरंत वहाँ से ऑफिस से गाड़ी भेज दी गई है और मैं भी मौके पर पहुँच गया हूँ। आग कंट्रोल कर ली गई है। गाड़ी में इन्वर्टर बता रहे हैं ये कहाँ से कहाँ जाना था, इनको ड्राइवर ने बताया होगा आपको ये कहाँ से कहाँ जाना था। ये क्या कुछ नुकसान अभी तक? नुकसान तो अभी तक तो इसका कैबिन तो तकरीबन जल ही गया है, गाड़ी का तो नुकसान हो ही गया काफी इंजन का। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।